उसके बाद सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, ये स्टार्ट के अंदर आ सकती है। मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, ये आइंस्टाइन की कोट है, ये लिटरेरी नहीं है लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट वन इज टू स्मॉल, देन द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो स्मॉल, ये सारी आपने कोटेशंस लिखी हैं, लिटरेचर से कोई चीज नहीं निकाली आपने। ज़रीज़ा नज़ीर साहबा जो है उन्होंने लिखा है करप्शन और गवर्नेंस के ऊपर, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट कैन आयरन डू, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखी है, वुमेन इज लाइक अ टी बैग, यू नेवर नो हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज अंटिल शी गेट्स इन हॉट वाटर, ये अच्छी है, ये वाली कोट आप लिख सकते हैं। उसके बाद फराह खान साहिबा जो हैं उन्होंने कायदेजम की लिखी है, उसके बाद आगे रॉबर्ट ब्रूक की है, ये अच्छी है रॉबर्ट ब्रूक की, रूपर्ट ब्रूक की। और उससे आगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपने लिखा है, वी डोंट नो व्हाट वी किल अस फर्स्ट द रेस वॉर और व्हाट वी हैव डन टू अर्थ, ये अच्छी है, खदीजा खान की बड़ी जबरदस्त कोट है। उसके बाद इट इज टाइम टू वेक अप एंड सी मदर अर्थ पेन, सून हर क्राइज विल टर्न टू ब्लूम एंड क्लाइमेट चेंज विल कॉज मैन्स डूम, ये एक ही लाइन में लिख दी, ये एक पोइट्री की फॉर्म में है तो पोइट्री के फॉर्म में लिखे ज्यादा खूबसूरत लगेगी, बड़ी जबरदस्त है ये कोट। उसके बाद इन्होंने लिखा है, डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सीड अनलेस दोज हु एक्सप्रेस देयर चॉइस आर प्रिपेयर्ड टू चूज वाइजली, ये बस ठीक ही है। अरीशा असगर की दूसरी कोट है, एज आई वुड नॉट बी अ स्लेव सो आई वुड नॉट बी अ मास्टर दिस एक्सप्रेसेस माय आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये जबरदस्त है, ये वाली अच्छी स्टार्ट की जा सकती है। उसके बाद मैं मोना समद साहिबा की है, इट इज नॉट इनफ टू हैव ग्रेट क्वालिटीज वी शुड हैव द मैनेजमेंट ऑफ देम, ये ठीक है, मुनासिब सी है, इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। शिबा रियाज ने लिखा है, वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर आर यूथ बट वी कैन बिल्ड आर यूथ फॉर फ्यूचर, ये बहुत जबरदस्त है, ये अच्छी लाइन यूज हो सकती है बहुत सारी जगहों पे। बाकी सादा कोट्स हैं, लिटरेरी लाइंस आपने ऐसे नॉवल्स को टच नहीं किया, दो चार लोगों ने बस जो है देखा है, बाकी उन्होंने सादा कोटेशन जो है उसकी भी किताब खोली है और उधर से ऑनलाइन देख ली है। ये रबी शाह साहब जो हैं, रबी शाह साहब, इनकी अच्छी हैं कोट्स। अब्दुल हफीज की भी समवट अच्छी हैं, लिटरेरी कोई नहीं है, बस इन्होंने कोटेशन से लिखी हैं। शान अली की जो है, नोइंग दैट एन इकोनॉमी इज इन डिक्लाइन इज नॉट इनफ यू मस्ट नो व्हाई द इकोनॉमी इज फॉलिंग, ये बस मुनासिब सी लाइन है, ये भी इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। आप लोग शायद कैची लाइन की बात नहीं समझे, आपने ये समझा कि शायद किसी की भी कोटेशन लिख देंगे तो कैची लाइन बन जाएगी, ऐसा नहीं है, आपने लिटरेरी देखनी है, अदरवाइज तो और बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, फिर लाजमी नहीं कि आप ये वाली कोटेशन ढूंढें। सामिया इम्तियाज मलिक साहबा कह रही हैं कि कायदे आज़म के वर्ड्स लिखती हैं, ये कोई कैची लाइन नहीं है, ये तो कोटेशन है बस। सबान शाह साहब ने सारा लिख दिया है लेकिन लाइन इंट्रोडक्शन के अंदर ही इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा टेंस बातें करनी स्टार्ट कर दी हैं, मजेदार नहीं है, इस तरह तो एग्जामिनर नहीं रहेगा इस चीज के ऊपर। मोहम्मद सगीर साहब ने भी कोट्स लिखती हैं, इन्होंने भी कोट्स लिखती हैं, अनीसा अफजल साहिबा ने क्वेश्चन पूछा है, सर इन द एसे प्रमोटिंग टूरिज्म विच क्लासिफिकेशन शुड आई अप्लाई, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस ज्यादा अच्छा है अनीसा। उसके बाद अनीसा ने भी कोट्स ही उठा के लिख दी हैं, डिजिटल डेमोक्रेसी की भी कोट्स ही लिख दी हैं। बस यही चीजें थी, आप में से कुछ लोग अंडरस्टैंड किए हैं, बाकी सब लोग नहीं कर सकते, असद साथ की तो मुझे नजर ही नहीं आई। असद साहब ने अपनी लाइन बनाई है लिटरेरी, अच्छी लग रही है, द पेंडेमिक हैज टॉट अस एनीथिंग इट इज दैट
न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ये लाइन नहीं सही। द पेंडेमिक हैज टॉट अस एवरीथिंग, कर सकते हैं एनीथिंग, क्या है इट इज दैट की बजाय सादा, इट इज दैट की बजाय सादा लिख सकते हैं, पेंडेमिक हैज टॉट अस द न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, दैट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर पॉसिबल अक्रॉस द वर्ल्ड, आवर डिजिटल लाइव्स हैव एनेबल्ड अस। असद आपके टेंसेस में बहुत मसले हैं, आपने तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपका। छोटे जुमले बनाया करें लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स में ना जाया करें जब तक आपका बेहतर ना हो। अच्छा जी, सामिया साहिबा का क्वेश्चन है जी। सामिया आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है, तो ना हमने सच कोई नाम पढ़े होते हैं, ना हमें राइटर्स के नेम आते हैं, तो हमें तो नहीं पता कि ऐसी ना उनके पोएम्स का पता होता है, तो आप हमें कुछ ऐसे फिर सोर्सेज बताए ना जहाँ से हम ऐसी कुछ लिटरेरी लाइन ले सकें और उनको मोल्ड कर सकें। फिर कुछ तो मैंने कल बताए थे आपको, बाकी मैंने कहा था कि आप जरा गूगल करें कि स्टार्टिंग लाइंस ऑफ सम 25 बेस्ट नॉवेल्स, बेस्ट स्टार्टिंग लाइंस ऑफ लिटरेचर, बेस्ट लिटरेचर ऑन डेमोक्रेसी, इस तरह के टर्म से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ना। ऐसे थोड़ी होगा, अब आप में से तकरीबन 80% लोगों ने कोटेशन निकाली हैं और कहा है कि ये हमारी कैची लाइन है। मुझे बताएं कि एक सादा सी जो कोटेशन है वो उससे क्या एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा? जी सर वो तो है, मैं तो वो उस तरह नहीं, मैं वगैरह नहीं मिल रही थी इस तरह कुछ स्पेसिफिक। मैं आपके सामने ढूंढूंगा तो एक मिनट में काफी सारी मिल जाएंगी, ठीक है? तो सर्च कर लेंगे आता ना सर, क्योंकि मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग लाइंस, ये देखिए अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो 25 बेस्ट नॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है ये देखें, ये इन्होंने पूरा निकाल के शो किया है। इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही ऐसा होगा ना। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं कहूँ कि मैं थोड़ा सा मैजिक वांड से करूँ तो फौरन आ जाए। बहरहाल आप लोगों के लिए मैंने जो अगले लेक्चर जी सर, वो मुझे ये नहीं था ना, ये याद रहा कि आपने सर्च कैसे किया था। मैंने आज का लेक्चर भी उधर देखा लेकिन अपलोड नहीं था वो कि मैं उसे देखती। मैंने तो सारे लेक्चर्स अपलोड किए होते हैं, हर चीज अपलोड की होती है ताकि आप लोग जो है वो कर सके। ऑडियो नहीं सर, अभी दिन के टाइम तक तो नहीं थी। अच्छा जी सर, मैंने तो कर दी थी, आपने चेक नहीं किया होगा, मैंने तो कल रात को कर दी थी। बहरहाल तो लेक्चर से सर, व्हाटएवर सामिया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगी और आपको लेक्चर ध्यान से लेना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज भूल जाती हैं तो आप अपने किसी क्लासमेट से पूछ सकती हैं कि ये वाली चीज का क्या बताया था, ठीक है? आपके पास सबके नंबर हैं ग्रुप में, आप किसी को भी मैसेज कर सकती हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने एफर्ट की है, बीच में अच्छी लाइंस भी लिखी हैं, अच्छी पॉइंट्स भी लिखी हैं, ये नहीं है कि सबने नहीं लिखी। इंटरनेट जो है वो उस पर अब तो बहुत ज्यादा ईजी हो गया चीजें ढूंढना। अलबत्त मैंने आप सब लोगों के लिए जो है वो पहले से वीडियोस जो हैं वो बना रहा हूँ, वो अगले जो 10 दिन के अंदर 10 टॉपिक्स पे होंगे, उसके ऊपर मैं अपनी पर्सनली क्राफ्टेड भी दे दूंगा और इसके अलावा कोई अच्छे लिटरेचर से भी दे दूंगा, ये तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इस तरीके से कभी भी आपको उस चीज़ की कदर नहीं होगी, आप उसे रटा लगा लेंगे और वो जाके ऐसे में लिखाएंगे तो शायद पास हो जाएं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप खुद भी एफर्ट करें, थोड़ी सी खुद भी थोड़ा सा गुड़ डालें। मैं तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, पूरा मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन इस तरीके के साथ आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी, आप बस थोड़ा सा रटा रटाई चीजों तक जा सकेंगे। तो द चॉइस इज योर्स, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है सर? अच्छा जी, अच्छा उसके बाद सुभान शाह साहब ने कोई हैंड रेस किया जी। सुभान अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ना 2 questions पूछने हैं सर शॉर्टली। एक पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट हम लिखते हैं, तो हम किसी भी चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए वो बोल्ड करके लिख सकते हैं?
सेकेंडली मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम ऐसे में आउटलाइन लिखते हैं और उसके बाद हम अपना ऐसे लिखते हैं ग्राफिक फॉर्म में, तो हम किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हुए ऐसे आउटलाइन तो आंसर कर सकते हैं? जी सुभान, दूसरी बात का जवाब तो है बिल्कुल सही, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आउटलाइन बनाने में इतने बिजी हो जाएं, क्वेश्चन 3 और 4 के आउटलाइन ही ना बने, फिर एग्जामिनर क्लियरली आपके नंबरों में फर्क करेगा। दूसरा ये है कि आप वाकई बोल्ड कर सकते हैं, जहां आपका दिल करे आप मार्कर यूज करें, इधर भी स्टिल टाइम का क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट पेजेस पे हर चीज बोल्ड की हुई हो और उसके बाद फिर आपके पास टाइम ही ना बचे, तो आपने इवननेस शो करनी है अपने पूरे पेपर के अंदर। हीरा जमान का क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने फाइल अपलोड की हुई थी कैची लाइंस की, तो जिनकी अच्छी कैची लाइंस थी वो भी उस फाइल में अपलोड होगी, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत फिजिबल हो जाएगा कि एक ही पैक डॉक्यूमेंट में सारे मतलब लाइंस हो। मेरी आवाज आ रही है? जी ओके। आपने जो कैची लाइंस की फाइल अपलोड की वो गूगल डॉक्स में जी, इसको जो न्यू हमने अभी अपलोड की है गूगल क्लासरूम पे वो ऐड होंगी? लेकिन जो आज वाली है उससे तो मैं हीरा काफी ज्यादा मायूस हुआ, उसमें शायद 1 या 2 या 3 लाइनें ऐसी होंगी जो ऐड करने वाली होंगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो काफी ज्यादा है, उसके अंदर तो काफी ज्यादा है, लेकिन ठीक है, हर हर बैच के अंदर स्टूडेंट्स मिक्स करते हैं, ऐसा ऐसा करके ही ज्यादा चीजें बनती हैं, ठीक है। तो जो जो वीडियोस होंगी उसके अंदर 10 टॉपिक्स के ऊपर स्टार्टिंग लाइंस हैं वो मैं आपको दूंगा, आप उस टर्म्स पे बना सकते हैं या वही वाली भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, सानिया जहरा का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कि ये जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं लाइक डेमोक्रेसी और इस तरह के, तो उसमें सर हम स्टेट के नैरेटिव से बात करें या फिर हम अपना नैरेटिव लिखें, क्योंकि ऐसे राइटिंग जो है वो एक क्रिएटिव, तो उसमें मैंने सुना है कि सीएसएस के एग्जाम्स में हमें स्टेट का नैरेटिव लिखना पड़ता है, स्टेट माइंड जो होते हैं उनका क्लियर नहीं होता, तो ये क्या है? सानिया ये बताएं कि जो आपका स्टेट का नैरेटिव और आपका नैरेटिव है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, क्या वो डिफर करता है? ये सर मेनली होता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्टेट हो जाते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के फेलियर के बारे में बात करेंगे, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो इस तरह कुछ चीजें डिफर होती हैं, तो उसमें हम अपना लाइक अपने माइंड को लिखें या फिर हम ऐसे करें कि हम एज अ नेशनलिस्ट लिखें, कौन सी चीजें डिफर करते हैं? हेलो ओके हेलो सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर अगर हम एंटी मिलिट्री लिखना चाहें, एक डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट लिखना चाहें, और अगर इस तरह हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहें, तो फिर ये कहते हैं कि हमें एज अ नेशनलिस्ट लिखना पड़ता है अपने आंसर जो है वो। तो मैं पॉलिटिकल साइंस कर रही हूं, तो हमें देखिए ये होता है कि हमें जी सर देखिये जो हिस्ट्री में मिलिट्री ने पाकिस्तान के साथ किया है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है जी सर। जी सर जो करंटली हो रहा है, जो करंटली हो रहा है वो एज सच कह सकते हैं कि कानूनी तौर के ऊपर प्रूव नहीं है, ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन सर आप क्या कहते हैं कि सर ये जो आपका क्या ख्याल है कि ये जो मार्क्सिस्ट वगैरह होते हैं, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, इनका सीएसएस क्लियर नहीं होता, ये वगैरह की बातें जो करते हैं, ये कोई मिथ है पर ये रियलिटी है? सानिया लेफ्टिस्ट तो थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, मेरा भी क्लियर हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने मौका देखकर बात करनी होती है, जो जिस जगह का मौका होता है उस जगह की बात करनी होती है आपने। जी सर ठीक है, आप किस सर्विस के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, किस काम के लिए आप पेपर दे रहे हैं? आप इसलिए दे रहे हैं ना कि आप स्टेट के नैरेटिव को आप होल्ड करके रखेंगे, ऐसा ही है? जी सर और स्टेट का नैरेटिव बनाने वाले फर्ज करें कुछ ऐसे
कैरेक्टर्स हैं जो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो वो भी फिर जब स्टेट का नैरेटिव बन जाता है, एक बार फर्ज करें ये नैरेटिव बन जाता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, हो या ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि अगर एक बार नैरेटिव बन गया और जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उन्होंने ये नैरेटिव बनाने में हेल्प कर दी स्टेट की, और स्टेट उसके ऊपर अपने एक्शंस ले रहा है, तो आप अब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है जो पाकिस्तान का नैरेटिव होगा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होगी, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बोलेगा, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक मिनिस्टर बोलेगा, आपने उस नैरेटिव को अपहोल्ड करना है, उसके साथ आपने ये देखना है कि किस किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, जिन पॉलिसीज के अंदर आपको मसला नज़र आता है उनमें, अगर तो वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या फॉरेन पॉलिसीज हैं, उन पर आप खुल के बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे चेंज होना चाहिए। एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है ना कि कुछ टीचर्स होते हैं वो हमें पता होता है कि उनकी लाइक उनका माइंडसेट किस तरह का है, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर से पढ़ी हूँ, वो एक प्रो नेशनलिस्ट टाइप हैं, और हम जब भी उनका पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें ये होता है कि हमने बस स्टेट के अगेंस्ट बात नहीं करनी, हमने मिलिट्री की तरफ करनी है, हमने फौज को अच्छा बोलना है इस एग्जाम में, तो ये होता है। तो फिर CSS के हवाले से भी मेरा थोड़ा है कि हमें टीचर के पर्सपेक्टिव को होता है या फिर अपना हमें सोचना होता है। ये जो बज वर्ड्स होते हैं ना, मिलिट्री और ये और वो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बातें करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप कोर्टली अपने एसेस को लिख रहे होते हैं तो ये बहुत छोटा सा पार्ट होते हैं उनके, तो उनको अगर आप विलिंगली इग्नोर भी कर दें तभी आपका ऐसे अच्छे तरीके से लिखा जा सकेगा, ठीक है। कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े डाइवर्स चीज़ों से आते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है, एथनीसिटी के बारे में, आपसे इकोनॉमी के बारे में, फॉरन पॉलिसी के बारे में, आपके जो है वो कंट्री के इश्यूज के बारे में पूछा जा सकता है। उसमें एक इदारा जो है उसके बारे में अगर एक पैराग्राफ आप स्किप भी कर दें तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे फिर भी आपके पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो सिक्योर हो जाएगी, जाहिर है सिक्योर होगी, बहुत सारे लोग नेशनलिस्ट होते हैं, लेकिन एक पूरे ऐसे के अंदर आप ये समझते हैं कि आपने लिखना ही वो है, तो उससे एक और चीज़ भी शो होती है, और उससे ये शो होती है कि आप बहुत ज़्यादा बाइस्ड हैं, ठीक है। आपको अगर तो आपने एक पैराग्राफ लिखना है उसे अगर स्किप कर देते हैं तो ओके है, लिख भी देते हैं तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप पूरा ऐसे ही एक ही टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रेलिवेंट नहीं हैं, आपको बस एक ही पॉइंट आता है, आप उसी को एम्फसाइज करते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन राइटिंग, ठीक है, और हम अपने गूगल डॉक्स पे जाते हैं, और कहाँ पे गूगल डॉक्स के, ये आपका आ गया सेकंड पार्ट थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर एक मेन चीज़ है, वो ये है कि ये एक ही स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर दो जुमले नहीं लिखने आपने, ठीक है, एक ही जुमला लिखना है, तो एक ही जुमले के अंदर आपने अपनी बात शुरू भी करनी है, ख़त्म भी करनी है। बहुत सारे हमारे दोस्त दो तीन जुमले लिखते हैं, वो उससे फिर पता नहीं चलता, स्टेटमेंट एक ही होती है कि ये हमारी बात है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट जो होता है वो वही होता है जो एसे के लिए आउटलाइन होती है, तो आउटलाइन भी आपको जो है वो एक डेढ़ पैराग्राफ के अंदर बताती है कि आप ऐसे के अंदर क्या लिखेंगे, थीसिस स्टेटमेंट भी आपको बताती है कि आप ऐसे के अंदर जो है क्या लिखेंगे। इसके अंदर आपकी पोजीशन क्लियर नज़र आती है, इसमें पता चलता है कि आप किस तरफ हैं, ठीक है। अगर आपसे और वाला ऐसे है कि ये बताएं या वो बताएं, तो फिर आप इसमें साइड चूज करते हैं कि मेरी ये साइड है। फिर आप इसके अंदर दो तीन मोटे मोटे पॉइंट्स बताते हैं कि ये और ये वजूहात हैं जिस वजह से ये हो रहा है, और इसको इस और इस तरीके के साथ हल किया जा सकता है, ठीक है। एक जुमले के अंदर अगर आपने अपना पूरा ऐसे बताना हो तो ये थीसिस स्टेटमेंट होती है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या इस तरह से कोई नहीं होता, मुख्तलिफ एसेज के अंदर मुख्तलिफ तरीकों के साथ थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर अगर एक सेंटेंस को पढ़ा जाए और उससे पता चले कि पूरे ऐसे के अंदर क्या बात होगी, तो वो खुद ब खुद एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये थीसिस स्टेटमेंट है। उसको कभी मार्कर से लिखना हो लिख दें, नहीं लिखना हो ना लिखें, फिर भी उसके स्ट्रक्चर से, उसकी बात से, उसके अंदर की ही जो पॉइंट है उससे पता चल जाता है इजीली
ये इसकी थीसिस स्टेटमेंट होगी. थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आप आउटलाइन में भी लिख सकते हैं अगर आपसे अच्छी बन जाए. अगर आपको लगे कि उसमें कोई मसला है तो फिर आप आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट ना लिखें. थीसिस स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मली आप ऐसे को देखते हैं और उसकी बेस के ऊपर फिर स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स आता है, तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट का जो जनरल सा सिस्टम होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो ये होगा कि ऑल्दो देयर आर हर्डल्स येट देयर आर होप्स. ये इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा. अब इसके अंदर आप जितना ज्यादा रंग भरना चाहें भर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि ऑल्दो फ्यूडलिज्म कॉलोनियल लेगेसी एंड वीक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड सम हर्डल्स in the way of democracy, yet the 18th amendment and awareness in the public through social media provide a hope for democracy, provide a hope in Pakistan that democracy will thrive. ठीक है, तो ये देखें, पहले मैंने ऊपर जो है वो वाली बात लिखी है जो बिल्कुल ही सादा सा स्ट्रक्चर है इसका थीसिस स्टेटमेंट का, कि ऑल्दो दिस अदरवाइज दिस. और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अपने कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स ऐड कर दिए. तो ये वाली जो चीज़ होगी ये रफ वर्क होगा, और ये वाली चीज़ जो होगी ये आप नेट पे जाके लिखेंगे. ठीक है, इसे स्टेटमेंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पहले उसका जनरल जो बॉडी है वो आप अगर डिसाइड कर लें कि मैंने उसको किस शेप के अंदर रखना है. अगर उस शेप के अंदर आप रखना सीख जाते हैं तो फिर आप जो है वो उसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स ऐड करके उसको जो है वो अच्छा कर सकते हैं. इधर तक अगर आपको समझ ना लगी हो तो आप हैंड रेज करें, अगर लग गई है तो चैट में बताएं, ताकि हम कुछ और टॉपिक्स की थीसिस स्टेटमेंट्स बना बना के देखें कि वो किस तरीके से बनती हैं. क्लियर हो गया, चलें ठीक है. हम अब किसी पेपर के पास जाते हैं, पिछले पेपर के पास जाते हैं, और उसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट बना बना के देखते हैं. तो क्योंकि हम 2018 का पेपर देख रहे थे, तो हम पहले उसकी सारी थीसिस स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसके बाद फिर और देखेंगे. बल्कि वो तो हमने पेस्ट भी किया हुआ है ना अपने शीट के ऊपर, हमें ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है. ये पॉइंट्स हमारे पास हैं. डेमोक्रेसी के तो बन गए हम, बाकी नौ जो है उनकी क्या था. अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट बनाना तब आसान होता है जब आपने आउटलाइन बनाई हुई हो. आउटलाइन में आप पहले ही सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट बनाना जो है वो इजी हो जाता है. अगर आउटलाइन ना बनी हुई हो फिर मसले होते हैं जैसे अभी हमें होंगे, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते जाएंगे थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगी, और उसके बाद आप लोग फिर खुद बनाते जाएंगे. कोटेशंस जो है वो थीसिस स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ जो है वो अपनी राय अपनी ओपिनियन देंगे, किसी की राय या ओपिनियन नहीं देंगे.
مظہر حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھیسس سٹیٹمنٹ کے اندر ہم کچھ پوائنٹس کیوں دیتے ہیں. مظہر حسین ہم کچھ بڑے بڑے پوائنٹس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوشش یہ کرتے ہیں کہ تین چار میجر پوائنٹس ہیں وہ کور ہو جائیں, اور اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ہم اسپیسیفک پوائنٹس دیں, ہم اپنے جو گروپنگ کی ہوتی ہے, آل دو دیر آر سرٹن پولیٹیکل سوشل اینڈ اکنامک ایشوز دیٹ پرووائڈ اے ہرڈل ان دا وے آف ڈیموکریسی, ہم اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہیں جو ہماری جو ہے وہ پوائنٹس کو تھوڑا سا کر سکے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے اسپیسیفک پوائنٹس لکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. اگر تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے چار پانچ پوائنٹ لکھے ہیں اور پیپر میں آپ کے 10-11 پوائنٹس ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے ایگزامینر کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ نے صرف جو بڑے میسیو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں آپ. اچھا جی, یہ ہے ریئل ڈیولپمنٹ شوڈ ٹرانسفارم پیپلز لائفز ناٹ جسٹ اکنامکس اسٹیٹسٹکس, ٹھیک ہے. تو اس کی اگر تھیسس اسٹیٹمنٹ میں بناؤں گا تو میں اس طریقے سے بناؤں گا کہ آل دو اکنامک ڈیٹا از ریپلیٹ ود سکسیسز ان ڈیولپمنٹ سیکٹر, یٹ دا ہیومن کنڈیشن including health, education and income inequalities are not changing thus pointing that the data is skewed and real development is absent. ٹھیک ہے, اسی بات کو ہم جو ہے وہ تھوڑے سے پوائنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ اور انکوالٹی, ٹھیک ہے, اکنامک اکوالٹی ہونی چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہیلتھ ہونی چاہیے, یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کس چیز سے مل کے بنتا ہے. تو اس میں ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ والی, یہ ایسے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا اوپینین بیسڈ ہے, ناٹ آرگومنٹیٹیو ہے اتنا زیادہ. تو اس کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت زیادہ پوائنٹس نہیں آ رہے, ادروائز جو ہے وہ جس طرح ہائر ایجوکیشن ایلز اینڈ ریمیڈیز ہے اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس بھی آئیں گے جیسا کہ ہم اس کو بنا کے دیکھتے ہیں. اس کی کس طرح سے بنے گی, اس کی کس طرح سے, اس طرح سے بنے گی کہ اس کی بھی آل دو یٹ والے ماڈل سے بن سکتی ہے, آل دو یا آل دو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دا ہائر ایجوکیشن از فیسنگ دس دس اینڈ دس پرابلم اینڈ دس دس اینڈ دس میجر نیڈس to be taken to improve the standards. ٹھیک ہے, تو اینڈ آیا تھا, اینڈ کا مطلب ہے کہ یہ دونوں باتیں لکھنی ہیں. تو دس دس اینڈ دس کی جگہ آپ جو ہے وہ اپنے وہ والے مین پوائنٹس لکھ دیں گے جو آپ کی آؤٹ لائن کے اندر آئیڈیاز کا گروپ بنا ہوگا. کچھ آپ کہیں گے فنڈنگ چیلنجز ہیں, کچھ آپ کہیں گے کہ کیپیسٹی ایشوز ہیں, کچھ آپ کہیں گے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ ان دس دس اور دس کی جگہ تین تین میجر جو چیزیں ہیں وہ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ایسے اس کی جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی سمپل سی بنتی ہے. اوپر والا ایسے تھوڑا سا تھریٹیکل تھا تو اس کی تھوڑی سی اور طرح کی بنتی ہے. اس کے بعد جو ریڈ والا ہے وہ لٹری ایسے ہے, اسے ہم اسکپ کر دیں گے. اس کے بعد سی پیک ہے, تو سی پیک بالکل ہی سیدھا سا ٹاپک آیا ہے, سیدھا سا ٹاپک اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ سی پیک سے پاکستان کی جو پاکستانیوں کی دنیا ہے وہ بدل گئی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک از اے فلیگ شپ پروجیکٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان, ان دا ہسٹری آف پاکستان
and it is impacting socio-economic changes by doing this, this and this. ठीक है, तो इस दिस दिस और दिस की जगह आपने जो आपके मेजर पॉइंट्स होंगे जो सी पैक के ऐसे के अंदर आप लिखेंगे वो आप इनलिस्ट कर सकते हैं. वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग से. और ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ से आएगी? वो आएगी जब आप पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज करेंगे. लेकिन थीसिस स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके के साथ हो सकता है. अच्छा जी, इसके बाद अगला टॉपिक बिहेवियर द बैरनेस ऑफ बिजी लाइफ. ये भी एक लिटरेरी टॉपिक है. इसके थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ऐसा सच हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये इतने ज्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते. आगे बिल्कुल उसी तरह का आसान सा टॉपिक है, इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हम इसको ऑल दो येट के साथ भी कर सकते हैं. ऑल दो ये प्रोस्पेक्ट्स हैं बट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट. ठीक है, although the prospects of social media including this are numerous and promising, yet the challenges like this and this need to be addressed. ठीक है, तो इस तरीके के साथ आप जो है वो अपनी आउटलाइन जो है वो बनाते जाएंगे. अगला टॉपिक जो है वो रियल डेवलपमेंट की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है. इस तरह से आर्गुमेंटेटिव या इस तरह से डिस्क्रिप्टिव नहीं है. ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर टेररिज्म और करप्शन को फाइट करना हो तब भी हमें जो है वो ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज को नहीं फाइट करना चाहिए, नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द ह्यूमन राइट्स आर कंसिडर्ड एज द डिवाइन राइट्स एंड द डिग्निटी ऑफ मैन इज कंसिडर्ड as sacred thing. So in the fight against this, आपके जो है वो ये वाले rights compromise नहीं होने चाहिए. या आप as से start कर सकते हैं इसका, as this is important, so this should not be compromised. ठीक है, तो ये थीसिस स्टेटमेंट हमारे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बला बना के शो करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट ये होता है, थीसिस स्टेटमेंट वो होता है. थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी है, किसी ने आपके बिहाफ पे तो नहीं लिखनी आके. तो आप उसे जितनी ज्यादा क्लियर, जितनी ज्यादा ईजी लिखेंगे उतना ज्यादा जो है वो एग्जामिनर को पता चलेगा. आहिस्ता आहिस्ता जाकर कॉम्प्लेक्स होती हैं. अगर आप ये कहें कि फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही आप बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट कर दें तो फिर आपकी जो है वो ग्रामर की गलतियां होंगी, आपके टेंसेस की गलतियां होंगी और फिर आपको उसका जो लॉस है वो भुगतना पड़ेगा. और वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. ये कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कि आप अपनी जो थीसिस है वो सादा बना लें. एग्जामिनर यही कहेगा ना कि इसका इतना ज्यादा जो है वो ग्रिप नहीं है थीसिस स्टेटमेंट पे, लेकिन वो फेल करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी उसके पास कि आपकी कोई ऐसी गलती पकड़ ले टेंस की सादा जो आपको फेल कर सके. थीसिस स्टेटमेंट अच्छी तभी बनती है जब आप अच्छी आउटलाइन बनाते हैं. अच्छी आउटलाइन तब बनती है जब आप अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और उसको ग्रुप करते हैं, रेलिवेंट रहते हैं. अगर आप ये सारे स्टेप सही तरह नहीं करेंगे तो और उसके बाद आप डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी जो है वो इश्यूज होंगे. बेसिक स्ट्रक्चर पहले जहन में बना लेते हैं कि मैं इस तरह से बात करूंगा और उसके बाद फिर उसके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पॉइंट्स जो होते हैं वो ऐड करते जाते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता. ठीक है, तो ये एक तरह से जो है आपकी थीसिस का जो है वो मेथड होता है थीसिस बनाने का. मेरा पर्सनली जो तरीका ये था कि मैं
एक काफी सारे टॉपिक्स की मैंने लिस्ट अपने पास रखी हुई थी, वो लिस्ट आपके पास गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल है। तो उस लिस्ट के ऊपर बेशुमार टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के अंदर जो है वो मैं रोज दो या तीन टॉपिक्स उठाता था और उसके बाद उसकी आउटलाइन बनाता था, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था जहन में ही और उसके बाद फिर उसको रेलिवेंट करता था पेज के ऊपर और उसकी आउटलाइन बनाकर फिर मैं उस फौरन बाद उस आउटलाइन के पॉइंट से एक थीसिस स्टेटमेंट साथ ही बना के देख लेता था। ठीक है, तो ये भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि आप उसको मेज कुर्सी पे बैठ के ही करें, आप चलते फिरते कहीं फारिग बैठे हुए हैं किसी टॉपिक के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और साथ ही कर। और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इवन मैं जिस पेज पे करता था उस पेज पे ही एरोज वगैरह लगाकर कटिंग शटिंग करके यही शो कर देता था कि फाइनल मैं इस तरह से बनाऊंगा, ये नहीं होता था कि मैं उसको बकायदा आउटलाइन की शेप में लिख लिख कर देखता था। बस ये आपने अपने माइंड की प्रैक्टिस करनी होती है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आप अवेलेबल नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं और उसको शो कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे स्प्रेड कैसे करते हैं ऐसे के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस स्टेटमेंट के अंदर देखी जाती हैं नॉर्मली कि आप अपना पॉइंट सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए हैं या नहीं। ये नहीं देखा जाता है कि फ़लाँ में ये है वो है, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, फ़लाँ टेंस होना चाहिए, फ़लाँ टेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पॉइंट एग्जामिनर तक साफ सुथरी जबान के अंदर पहुंचना चाहिए और उसको पढ़ के पता चल जाए कि इस ऐसे के अंदर कौन सी साइड चूज की है और मेजर पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं इसके, ठीक है, जिन पे इसने बात की है। तो ये थी सी स्टेटमेंट होती है। इधर तक अगर आपका भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करें। जी हीरा जमान का भी क्वेश्चन है। सर, इज इट इम्पोर्टेंट कि थीसिस स्टेटमेंट पूरा आपके एसे का, मतलब आपके एसे को एक कंक्लूसिव लाइन हो उसकी? कहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट एसे की कंक्लूसिव लाइन हो? जी, लाइक पे एसे को वो मतलब एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हो। तो वही है, ये जरूरी है ऐसे ही हो? मतलब वैसे कैसे बना सकते हैं? मतलब ऐसे भी कोई रैंडम यू नो लिख ले? नहीं, थीसिस का मतलब सादा ये होता है कि आपकी सोच जो है वो एक जगह पे एक नुक्ते के ऊपर जब जमा हुई है तो उस पे क्या उसका रिजल्ट निकला है। ठीक है, आप कहीं से जो है वो एक बात लेते हैं, कहीं से दूसरी बात लेते हैं तो उसको देखकर फिर आप जज करते हैं कि आपने क्या बात करनी है। तो ये थीसिस स्टेटमेंट है। आप अपनी साइड बताते हैं मेरे ऐसे के अंदर कौन सी साइड होगी, आप ये बताते हैं कि मैंने किन लाइंस के ऊपर सोचा था ऐसे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज इट। उसके अलावा आप उसको जो मर्जी फैंसी नेम देते हैं लेकिन यह है कि असल काम तो उसका यही। थैंक यू सर। अच्छा जी, उसके बाद असद का क्वेश्चन है। जी असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जब लास्ट टाइम मैट दे रहा था उस वक्त जब मैंने क्लासेस ली थी तो एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि जब भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये हमेशा फॉर्म में होने चाहिए। ऐसे ये जरूरी है या जैसे हम उस वक्त एक सेंटेंस को बनाए प्रॉपर, इज इट फाइन? क्या चीज सर? जब लास्ट टाइम मैं अटेंड कर रहा था ऐसी, वो मुझे उसकी दूसरी बात क्लियर नहीं है, उसके बाद आपने क्या कहा था? मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि हमें जो थीसिस स्टेटमेंट बनानी है वो फ्रेस के ऊपर, यानी कि उसको फ्रेस होना लाजमी है। क्या होना लाजमी है? फ्रेस, फ्रेस, फ्रेस ही होता सर। फ्रेस, फ्रेस, जी सर। अच्छा, और यानी वो कहते हैं कि उसको फ्रेस होना लाजमी है, उसको अपने फ्रेस टाइप में लिखना, मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। फ्रेज के अंदर कौन लिखता है? फ्रेज के अंदर तो पूरे ऐसे में कोई फ्रेज नहीं लिखना, अपने सेंटेंसेस में ऐसे लिखना। ठीक है ना, ऐसे जो है कि कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसे पढ़ लें वो फ्रेजेस के अंदर थोड़ी होता है, आउटलाइन के अंदर फ्रेजेस लिखे जाते हैं। थीसिस स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट होता है जिसके एंड पे फुल स्टॉप आता है। अच्छा, मोहम्मद उस्मान साहब का क्या क्वेश्चन है?
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आउटलाइन की पहले बात हुई, जैसे हमारे पहले लेक्चर में बात हुई है ब्रेनस्टॉर्म देन आउटलाइन, एक फाइनल लेक्चर में हमने आउटलाइन बनानी है देन हमने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, सही है? अभी आप कह रहे हैं कि थीसिस के अंदर हमने जस्ट अपने मतलब बताना होता है कि हम हमारे दिमाग में ये चीजें हैं तो इन द नेक्स्ट इसको ये एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट दोनों ही सेम है तो फिर इसकी स्टेटमेंट क्या जरूरत है? देखें, आउटलाइन जो है वो पूरे एसे का एक तरह से चार्ट होता है कि आपका कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ होगा, किस पोजीशन पे लिखा हुआ होगा, ठीक है? सही है। जस्ट एज टेबल ऑफ कंटेंट्स इन योर बुक, उस पे लिखा होता है ना कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो डेमोक्रेसी पे है, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक पे है, चैप्टर नंबर 3 सोशियोलॉजी पे है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो आउटलाइन है ना वो ये शो करती है कि आप अपने एसे के अंदर जो डिबेट है उसको किस तरतीब से चले हैं एंड तक प्रूव करने तक, ठीक है? सही। और थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि इस ऐसे के अंदर आपका जहन जो है वो किन किन लाइंस के ऊपर बात को प्रूव कर रहा है, यानी दोनों एसेंशियली अगर उसकी कोर में देखें तो एक ही चीज है, ठीक है? थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक सेंटेंस है जिसके अंदर पूरी आउटलाइन बताई गई है, लेकिन आउटलाइन ज्यादा डिटेल के साथ एक मैप बना देता है कि एग्जामिनर के जहन जो है तैयार हो जाए कि इसने पहले ये प्रूफ किया है, फिर ये प्रूफ किया, फिर ये प्रूफ किया और नतीजतन एंड पे ये प्रूफ हुई ये बात, ठीक है? जी सर, सही। सर, इसमें थीसिस स्टेटमेंट अभी पहले कुछ स्टूडेंट में बात की तो ये एक बोल्ड फॉर्म में होगी ना, ये तो फिर जो होगी आउटलाइन के बाद। अगर आप बोल्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिख दें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो एग्जामिनर फिर भी ढूंढ लेगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि ये थीसिस स्टेटमेंट है। और विदाउट एनी हेडिंग होती है सर, मतलब जस्ट आपने लिखनी होती है? जनाब, इंट्रोडक्शन के अंदर चार चीजें लिखनी है, चारों बगैर हेडिंग के एक ही पैराग्राफ के अंदर आएंगी, ठीक है? जिस जगह पे वो वाली चीज खत्म हो जाएगी उससे अगले कोई बगैर लाइन छोड़े, बगैर जगह छोड़े फौरन बाद अगली बात हो जाएगी। पहले आप दो सेंटेंसेस लिखेंगे कैची लाइंस के, ठीक है? फर्ज करें वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस खत्म हो जाते हैं तो उधर से ही आगे थीसिस स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे और देखने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि इसने चार हिस्सों में काम किया है, उसे एक ही हिस्सा लगना चाहिए कि एक इंट्रोडक्शन किया है उसने। सही है, ठीक है, सही है। ओके, चलें। ओके। सानिया का क्या क्वेश्चन है? सर, मेरा क्वेश्चन ये कि टॉपिक के जो सारे डाइमेंशंस हैं वो कवर होने चाहिए ना थीसिस स्टेटमेंट में। लाइक अब होप्स और हर्डल्स की बात हुई है तो अब एक सेंटेंस जो है वो होप्स में होगा, फिर हम यथ और किसी और कंजंक्शन कि हम फिर हर्डल्स के बारे में भी वहां पे बात करेंगे। बिल्कुल, अगर एंड का वर्ड आया है तो दोनों करेंगे, अगर और का वर्ड आया है तो फिर आप अपनी साइड बताएं, ठीक है? अगर वो कहता है कि ये कह सकता है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट और डार्क, तो आप कहेंगे डार्क है तो फिर आप डार्क की ही बात करेंगे, अगर आप ये चूज करते हैं ब्राइट है तो ब्राइट ही की बात करेंगे, फिर आप दोनों साइडें नहीं लेंगे। लेकिन अगर एंड आ जाता है तो तब आपको फिर दोनों साइड बतानी पड़ती है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, आई होप आप सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे। अच्छा, अब थीसिस स्टेटमेंट के बाद हमारी तीसरी चीज जो है वो ये है कि हमने टॉपिक को जो है वो किस तरीके के साथ एक्सप्लेन करना है, या टॉपिक को जो है वो बताना है कि हमने क्या समझा है, या थीसिस स्टेटमेंट की थोड़ी सी जो है वो अपने एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे देनी है, ठीक है? ये चीज जो है ये हम कल करेंगे और फोर्थ वाली चीज पहले कर लेते हैं, जो कि रहेगी तो फोर्थ नंबर पे ही, लेकिन ये है कि हम उसे पहले देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है? जैसे कहते हैं रेज क्वेश्चंस, क्वेश्चन रेज करना, कोई भी अच्छा जो आपका, अगर आप ऐसे देखेंगे या कोई बुक देखेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन के बाद आखिरी लाइनों के अंदर इंट्रोडक्शन की कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस जो हैं ये कैसे रेज किए जाते हैं और किस बुनियाद पर किए जाते हैं ये हमने देखना है। नॉर्मली तो ये होता है कि आपका जो ऐसे होता है उसके अंदर अक्सर आपने कहीं से अगर पढ़ा है या किसी और का ऐसे देखा होगा तो उसके अंदर शायद क्वेश्चंस रेज ना हुए हों, लेकिन क्योंकि हमने कल ये तय किया था कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है उस पर एक चीज़ तो वाजे है कि एग्जामिनर पूरा ऐसे पढ़े या ना पढ़े वो इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ेगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन और आउटलाइन दो ऐसी चीज़ें हैं वो लाजमी पड़ेगा, इसीलिए हमने आउटलाइन पे चार दिन लगाए थे, इंट्रोडक्शन पे हमने दो दिन लगा दिए और हम कल भी थोड़ा सा पार्ट इंट्रोडक्शन का थर्ड वाला सेक्शन जो है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है आपका एग्जामिनर वो इन चीज़ों को पढ़ेगा तो हम उसका इंटरेस्ट बरकरार रखना चाहते हैं, हमारा ये मेन पॉइंट ये है।
इंट्रोडक्शन के अंदर ये पॉइंट नहीं है कि आपने सारे आर्गूमेंट्स ही दे देने हैं, ये पॉइंट नहीं है कि आपने अपनी स्कॉलरशिप बतानी है कि मैं कितना बड़ा स्कॉलर हूँ, आपने जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि मेरा ऐसे इंटरेस्टिंग है, अगला वाला पार्ट भी पढ़ो, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ये आपने अपने एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन के थ्रू बतानी है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर कैची लाइन भी इसीलिए थी कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो, थीसिस स्टेटमेंट इसलिए थी कि एग्जामिनर अब इम्प्रेस हो गया, आपके थॉट का पता चल जाए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है जो हमने कल करनी है वो ये है कि आप उस टॉपिक की करंसी बताएं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर आप ये बताएं कि आपको क्या समझ लगी है उसकी, या कुछ ना हो तो आप ओवरव्यू दे दें, वो हम कल देख लेंगे क्योंकि वो थोड़ी लंबी चीज़ है। और चौथी चीज़ जो है वो है क्वेश्चंस रेज करना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चंस किस चीज़ के रेज करें, क्वेश्चंस आपने वही रेज करने हैं जो आपके मेन पॉइंट्स हैं जिनका आपने आगे बात भी करनी है। तो फिर क्वेश्चंस रेज क्यों करने हैं, क्वेश्चन इसलिए रेज करने हैं कि एग्जामिनर थोड़ा सा अटेंशन हो जाए, एग्जामिनर को थोड़ा सा जो है वो यूँ लगे कि ये ऐसे इंटरेस्टिंग है, या वैसे ही जब आप कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो यकीनी तौर पर उसके कुछ आंसर एग्जामिनर को भी आएंगे और वो ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो आपके आंसर पढ़े। अब आपने आंसर कहीं नहीं करना, आपने आगे जो पूरा ऐसे लिखना है वही उसका आंसर होगा, ठीक है। आपके जहन में तो ऐसे पूरा बैठा हुआ था, एग्जामिनर को तो नहीं पता था ना आपने आगे क्या लिखना है, तो उसके लिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि जब वो क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि अब मेरे जो इसके आंसर भी ढूंढो, तो वो आगे पूरा ऐसे पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपने कम अज कम तीन जो है वो रेज करने हैं। वो कैसे रेज करने हैं, वो जो आपके आउटलाइन के मोटे मोटे पॉइंट्स होंगे वो या आपके जहन में होगा कि आपने किन किन मौजूदात पे बात करनी है, तो उन्हीं मौजूदात को क्वेश्चन फॉर्म में आपने लिख देना है। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स है, तो हम कह सकते हैं कि हाउ फ्यूडलिज्म इज हिंडरिंग द वे ऑफ स्मूथ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। आप इस तरीके से जो है वो अपना लिख सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपने फ्यूडलिज्म वाला पैराग्राफ तो आगे लिखना ही है कि पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम है, उस वजह से ये होता है वो होता है, लेकिन आपने जो है वो क्वेश्चन इधर ही रेज कर देना है, ठीक है। इसमें आपने जो है वो एक गलती सब लोगों ने करनी है, वो ये करनी है कि आप लोगों ने जो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होगा वाई हाउ वेन वेयर, इसके बाद फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, जैसे मैंने अभी गलती की हुई थी, ठीक है। ये गलती एग्जामिनर पकड़ सकता है, इसको आपने माइंडफुल रहना है कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो फ़ौरन डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आएँ, हाउ के बाद आएँ, वाई के बाद आएँ, वैन के बाद आएँ, ठीक है। इसके बाद आप आगे लिख सकते हैं व्हाट रोल, व्हाट इज द मेन रोल दैट, what is the main role played by effective local governments to clear the way for democracy in Pakistan। अगर आपने outline के अंदर ये वाला point लिखा हुआ है तो आप ये वाला कर देंगे, अगर कोई और point लिखा हुआ है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि हाउ हैज द 18th अमेंडमेंट हेल्प्ड टू बूस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान। अब हमने आउटलाइन के अंदर ये सारी बातें की हुई थी, कोई नई बातें नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के लिए नई है क्योंकि एग्जामिनर ने अभी तक हमारी सारी थॉट्स पढ़ी ही नहीं। आउटलाइन के अंदर तो हमने पूरी बात सोच के एक फ्रेज लिख दिया था कि ये बात करूंगा, लेकिन असल में तो हमने आगे लिखना है। तो तीन ऐसे पॉइंट्स जो आपको श्योर हो कि आपने आगे लिखने ही लिखने हैं पैराग्राफ सुन के, तो आप उनके लिए क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मेन गलती जो होगी रेज करते हुए यही होगी कि आप डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, जो एग्जामिनर पकड़ लेगा और कहेगा कि इसे क्वेश्चन नहीं बनाना आता। लेकिन इससे ये होगा अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं कि आपका जो एग्जामिनर है वो इससे इम्प्रेस हो जाएगा कि इस बंदे को थोड़ा सा खींचना आता है, उसे पता नहीं चलेगा कि उसको एक तरह से हुक कर रहे हैं आप, लेकिन ये है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है वो बहता चला जाएगा और वो आगे भी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेगा कि देखूँ इस बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा जो है वो
खींचने की कोशिश की है, स्टिल उसे नहीं पता होगा खींचने की कोशिश की है, लेकिन वो नेचुरली आपके आपकी चीज़ें पढ़ेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का मेन पर्पस यही है, इंट्रोडक्शन का पर्पस ये नहीं होता कि एग्जामिनर को हर चीज़ बता दी जाए, वो कंक्लूजन का मकसद होता है कि जो चीज़ें की हैं उनको आप जो है वो आगे एक्सप्लेन करें या उनको आगे जो है वो लेकर चलें। जो मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि आपका जो है पढ़ने वाला है वो आपकी बात को एक्सेप्ट करने लग जाए। अच्छा इंट्रोडक्शन जो होता है वो अच्छे ऐसे का भी प्रीकर्सर होता है, और उसके अलावा जो है एग्जामिनर जो है वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देने लग जाता है। हमारा मेन पर्पस यही है पूरा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। इधर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें। जी उस्मान, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं ये जान रहा हूँ कि जिस तरह जो भी आपने प्रिंसिपल्स अभी बताए हैं एसिंग ये स्टार्ट से लेके लेक्चर से लेके अभी तक, उसका मतलब जो आपके लिखे हुए कुछ पल है सर, जिस तरह आपने कहा कि आपने किसी के ऐसे पढ़ा हो, तो हम वही आपका लिखा हुआ कोई अभी तक जो भी इसमें रूल अप्लाई करने वो देख सकते हैं, मतलब कहाँ से कैसे इसमें हो सकता है? बिल्कुल, हम मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ स्टूडेंट्स के अच्छे एसेज लिखे हुए हैं। मेरे तो एसेज अभी तक सेव नहीं है, लेकिन पिछले बैचेस के कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे विनिंग एसेज लिखे हैं, वो मैं शेयर करूंगा एंड पे आपके साथ। सर वो इन द एंड मतलब शेयर करेंगे या जस्ट इसी लेक्चर्स के एंड में होगा? 10th लेक्चर के बाद या अभी कल या परसों जब टाइम मिलेगा मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। जी ठीक है सर, सही है। और किसी का क्वेश्चन? हीरा का क्वेश्चन है। जी हीरा। सर हम इन क्वेश्चंस को बोल्ड में लिखेंगे? देखें बोल्ड में लिखना या लिखना आपकी मर्जी है, एक पैराग्राफ सादा सा होना चाहिए। हर चीज को क्यों बोल्ड करना है? आप थीसिस स्टेटमेंट भी बोल्ड करना चाहते हैं, आप कैची लाइन बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आप मार्क पेन क्यों लेके जाएंगे पेपर में? अच्छा, और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जो ये WH फैमिली वाली जो बात है वो जो आप दोबारा रिपीट कर दें, हेल्पिंग वर्ब आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, कोई हमारा क्लासमेट ये चीज जो है वो रिपीट करना चाहता है जिसको समझ लगी हो वो हैंड रेज करे। ज़रीज़ा नज़ीर करना चाहती हैं। जी ज़रीज़ा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर नॉर्मली ये होता है कि बोलने में हम मोस्ट टाइम WH फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, लेकिन राइटिंग में ये है कि WH फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। जी तो ये वाली गलती होती है जिस वजह से जो है हम लोग नंबर कटवा लेते हैं, ठीक है। इसको बस इसका ख्याल रखना है, बाकी आपका जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये अगर प्रिंसिपल याद रखेंगे तो ये बहुत सारे सेंटेंस करेक्शन में भी आ जाती है ये वाली चीज। अच्छा समर साहब का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, क्वेश्चंस मतलब कि एक साथ तीन चार क्वेश्चंस बनाएंगे या एक क्वेश्चन बना के का आंसर करेंगे, या फिर मतलब कि आंसर हम नहीं करेंगे बस क्वेश्चन बना के बाकी अपना जितना ऐसे है वो लिखेंगे? तीन क्वेश्चन बना के रख देंगे ताकि उसको थोड़ा सा एग्जामिनर को इंटरेस्ट पैदा हो कि इसका आंसर आगे कहीं लिखा होगा। जाहिर है आगे पैराग्राफ्स हमने लिखने ही हैं तो वही आंसर कंसीडर होंगे। हाँ जी ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी हीरा जमान का एक और क्वेश्चन है। जी हीरा। सर और हम क्वेश्चन से पहले ये लिखेंगे दिस एसे विल आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस तरह का कुछ लिखेंगे? कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके अंदर हम एग्जामिनर को टूर दे रहे हो कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब मैं वो करने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम सादा फॉर्मली लिखेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? किसी का क्वेश्चन नहीं? चलें इधर हम लेक्चर एंड करते हैं, और हम कल जो है वो देखेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट के बाद और क्वेश्चन रेज करने से पहले
तीसरे नंबर पे क्या करना था और वो कैसे होगा वो करूंगा। उसके बाद डेमोक्रेसी से रिलेटेड मैंने जितने भी चीज़ें इंट्रोडक्शन के लिए लिखी हैं वो सारी एक जगह पे जमा करूंगा और आपको एक पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ हम ये देखेंगे कि सजेशंस कैसे दी जाती हैं और कंक्लूजन कैसे किया जाता है, तो वो इंशाल्लाह हम ये वाली चीज़ें जो हैं कल देखेंगे। तो होपफुली आप अभी आधा के करीब इंट्रोडक्शन लिखने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। जिस जिस ऐसे की आउटलाइन बनाते जाएँ उस उसका इंट्रोडक्शन भी इस तरह से लिखना स्टार्ट करें। ये कॉन्टीन्यूस पैराग्राफ में होगा। चार चार चीज़ें इसलिए की हैं ताकि आप इसलिए अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस ना रेज करें, थीसिस स्टेटमेंट को पैराग्राफ के एंड पे लिखें, कैची लाइंस जो हैं वो अपनी मर्जी से कोई और लिखना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर ओपन है, ठीक है। ये कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है कि ऐसे भी ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आपको इससे बेहतर तरीका आता है, आपने कहीं पढ़ा है, किसी से पढ़ा है, तो आप उस तरीके से भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हर कैंडिडेट जो सीएसएस में बैठा होगा उसका इंट्रोडक्शन दूसरे से डिफरेंट होगा और एग्जामिनर हर तरह के इंट्रोडक्शन देखकर जिनका अच्छा होगा उनको पास करेगा, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, लेकिन ये है कि मुझे ऐसे अच्छा लगता है और मैं भी अपना जो ऐसे लिखता था वो ऐसे ही लिखता था, तो और मुझे ये भी लगता है कि ये थोड़ा सा ईजी मैथड है। आप चार चार पॉइंट्स, चार चार चीज़ें पूरी करके पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, जिस तरह से आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ तीन हिस्सों में लिख सकते हैं। इसी तरीके के साथ ये इंट्रोडक्शन जो है ये चार हिस्से बना के अगर करेंगे तो जो न्यू कमर्स हैं, नए लिखने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जो पुराने लिखने वाले हैं उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है कि वो किसी भी तरह की कैची लाइन लिख लें, कितने ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बना लें, किसी भी तरह की अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लिख लें। तो ये मेथड मुझे लगता है कि दोनों लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल इंट्रोडक्शन राइटिंग को वाइंड अप करेंगे और साथ हम सजेशंस देना और कंक्लूजन लिखना सीखेंगे।